सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो प्रो एक्टिव टेक्निकल। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो अफोर्डेबल गेमिंग चिपसेट्स को लेकर के, और ये दोनों हमें अफोर्डेबल प्राइस रेंज के ऊपर एक अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सुपीरियर गेमिंग हमें देखने को मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पर। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के नाम की, तो ये हमें मीडियाटेक की तरफ से उनके गेमिंग लाइनअप यानी कि मीडियाटेक हीलियो G25 और साथ ही में G35 प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें खास मीडियाटेक की गेमिंग लाइनअप की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और ये दोनों ही हमें मीडियाटेक की तरफ से गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों को लेकर के ही डिटेल से कंपेयर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों की ही फैब्रिकेशन प्रोसेस से, या फिर कहा जाए तो आर्किटेक्चर से, यानी कि किस प्रोसेस पर हमें बेस देखने को मिलते हैं ये दोनों ही प्रोसेसर। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रोसेसर यानी कि मीडियाटेक हीलियो G25 और G35 दोनों ही हमें बिल्कुल ही सेम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों ही हमें 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जितनी कम हमें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, उतना ही पावर एफिशिएंट हमारा प्रोसेसर होने वाला है, यानी कि उतनी ही बैटरी कम कंज्यूम होने वाली है हमारे स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर ये दोनों ही बिल्कुल ही सिमिलर पावर कंजप्शन यूज़ करने वाले हैं। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के सीपीयू की, तो दोनों के अंदर ही हमें बिल्कुल ही सेम 64-bit आर्म कोर्टेक्स A53 सीपीयू देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों के अंदर ही हमें बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर कहा जाए तो जो क्लॉक स्पीड है, वो हमें बिल्कुल ही अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G25 की, तो इसके अंदर हमें जो क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है वो हमें अप टू 2 GHz तक देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G35 की, तो इसके अंदर हमें ये थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि हमें 2.3 GHz देखने को मिलती है। तो यहां पर CPU परफॉर्मेंस के मामले में हमें थोड़ा सा ओवरक्लॉक देखने को मिलता है, यही मीडियाटेक हीलियो G35। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के GPU की, या फिर कहा जाए तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, जिससे कि हमारे ग्राफिक हमें बिल्कुल ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस देने वाले, यानी कि हमें स्मूथ ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे बिना किसी लैग के। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के GPU की, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के अंदर ही बिल्कुल ही सेम GPU देखने को मिलता है, जो कि हमें IMG Power VR GE8320 GPU देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें GPU परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स को। अगर हम बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G25 की, तो इसके अंदर हमें 650 MHz तक की GPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, और यही GPU फ्रीक्वेंसी हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है मीडियाटेक हीलियो G35 के अंदर, जो कि हमें 680 MHz तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें GPU के मामले में, स्मूथ गेमिंग के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते और हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के साथ में डिस्प्ले सपोर्ट की। तो शुरुआत करते हैं मीडियाटेक हीलियो G25 के साथ में, तो इसके अंदर हमें 720x1600, या फिर कहा जाए तो 720x1600 पिक्सल्स तक का स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि हमें एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और ये डिस्प्ले हमें काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलती है मीडियाटेक हीलियो G35 के अंदर, जो कि हमें 1080x2400 पिक्सल्स देखने को मिलती है, और ये हमें एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते और हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर रैम टाइप की, तो दोनों के अंदर ही हमें बिल्कुल ही सेम रैम टाइप देखने को मिलती है, यानी कि ये दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं LPDDR3 और साथ ही में LPDDR4X, यानी कि ये दोनों ही रैम टाइप हमें देखने को मिलेंगे इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर। तो ये एक देखने लायक बात है कि इन दोनों में से कौन सी रैम टाइप यूज़ करती है आपकी स्मार्टफोन कंपनी। और LPDDR4X एक हमें काफ़ी अच्छी रैम टाइप देखने को मिलती है LPDDR3 के मुकाबले, और दोनों के अंदर ही हमें अप टू 6 GB ऑफ रैम तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं रैम स्पीड की, तो दोनों के अंदर ही अगर हमें LPDDR4X देखने को मिलता है, तो दोनों के अंदर ही हमें अप टू 1600 MHz तक की रैम स्पीड देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारी मल्टीटास्किंग काफ़ी स्मूथ होने वाली है, साथ ही में ग्राफिक प्रोसेसिंग भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी रैम स्पीड की मदद से ज़्यादा टास्क ज़्यादा टाइम के लिए हमारी स्टोरेज के अंदर अवेलेबल होते हैं, या फिर कहा जाए तो मेमोरी के अंदर रहते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते और बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर
स्टोरेज टाइप की, तो दोनों के अंदर ही हमें EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, जो कि हमें इस अफोर्डेबल प्राइस पर एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि इस प्राइस रेंज के ऊपर हमें UFS का सपोर्ट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमें नो डाउट EMMC 5.1 ही देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर कैमरा सपोर्ट की, तो दोनों के अंदर ही हमें ड्यूअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही में हमें AI पोर्ट्रेट्स और AI ब्यूटी फिल्टर्स जैसे भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिससे कि हमारी सेल्फी और पिक्चर्स काफ़ी हद तक एनहेंस होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन जो एक प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है, तो यहाँ पर G25 के अंदर हमें 21 मेगापिक्सल तक का मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये हमें 4 मेगापिक्सल ज़्यादा देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G35 के अंदर, जो कि हमें अप टू 25 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है आपकी स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर कि वो आपको कितना मेगापिक्सल का स्मार्टफोन के साथ में कैमरा प्रोवाइड करा रही है। और अगर हम बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर कनेक्टिविटी की, तो दोनों के अंदर ही हमें कनेक्टिविटी बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है। दोनों के अंदर ही हमें वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्लूटूथ वर्जन है वो भी हमें दोनों के अंदर ही ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों के अंदर ही हमें FM सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर हम वीडियो के एंड में बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर्स की, तो CPU के मामले में हमें थोड़ा सा आगे देखने को मिलता है G35। हालांकि साइड बाय साइड अगर हम गेमिंग भी करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर, तो हमें GPU में भी इतना अच्छा खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, और ठीक ऐसा ही हमें CPU के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन डिस्प्ले के मामले में हमें फुल HD+ के साथ में G35 आगे देखने को मिलता है। इसके अलावा रैम स्पीड, रैम टाइप, ये हमें दोनों के अंदर ही सिमिलर देखने को मिलती है, यानी कि ये दोनों ही प्रोसेसर हमें सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर हमें इन दोनों की प्राइस रेंज के अंदर 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम सस्ते वाले के साथ में आसानी से जा सकते हैं। यानी कि अगर एक स्मार्टफोन हमें 6,000 में देखने को मिल रहा है G25 के साथ में, साथ ही में अगर हमें 9-10 हज़ार के अंदर G35 के साथ में देखने को मिल रहा है, तो हम G25 के साथ में इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें नो डाउट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।